अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जौली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जौली अजीम का हेल्थ सेक्शन है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस और मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको न्यूट्रन फैक्ट्स बताता हूँ, आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक इंतहाई कीमती जड़ी बूटी को सिलेक्ट किया है। एक सुपर जड़ी बूटी के अंदर आता है तो कॉमनली अवेलेबल भी है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को पनीर बूटी के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों पनीर बूटी को इसके अलावा पनीर डोडी भी बोला जाता है, पनीर डोडा भी बोला जाता है, तुख्मे हयात भी बोला जाता है। और दोस्तों साइंटिफिकली तौर पे इसे जो है विथानिया कोगुलेन हर बोला जाता है। दोस्तों ये वाइडली पॉपुलर है पूरे साउथ एशिया के अंदर। दोस्तों जो खाली जगह होती है वहाँ पर, खाली प्लाटों के अंदर और कब्रस्तानों के अंदर ये उगी हुई नज़र आती है। दोस्तों देखने में गोल होती है, ऊपर बारीक सा छिलका होता है, अंदर छोटे छोटे बारीक बीज होते हैं जो आपस में मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। और दोस्तों ज़्यादातर जो इसके हैं रोहनुमा जो बीज होते हैं वही काम आते हैं, स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा। और दोस्तों जायके के अंदर ये लाइट कड़माहट की तरह माइल होती है और तबीयत में गर्म खुश्क होती है। दोस्तों अक्सर लोग जो है जड़ी बूटी को ठंडी समझते हैं, ये ठंडी नहीं होती, ये खुश्क आलम है, गर्म खुश्क तबीयत रखती है। और अक्सर लोग इसे पानी के अंदर भिगो कर रखते हैं, इसे बाद में छान कर मिक्स करके ग्राइंड करके पी लेते हैं। तो दोस्तों इस हवाले से ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज है इसके अंदर और बहुत फ़ायदेमंद है। और दोस्तों देसी अद्वियात के अंदर इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, हुक्मा की जो है पसंदीदा जो है बूटी है। चलो दोस्तों ये तो सिर्फ पनीर बूटी के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, अब आते हैं इसके यूजेस और बेनिफिट्स की तरफ। और दोस्तों ये मैदे को ताकत देती है, पेट में से गैस को ख़त्म करती है, खाने को हजम करती है। और दोस्तों जनाना जो बीमारियाँ होती हैं सलाइनो रहम की, लेकोरिया, और दोस्तों इसी तरह जो मर्दाना जिनसी बीमारियों के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसे एहतराम का इलाज किया जाता है, जरियान का इलाज किया जाता है, मनी को ये गाढ़ी करती है। इससे जिगर के हवाले से भी बीमारियों के अंदर इस्तेमाल किया जाता हैपेटाइटिस को ये दूर करती है, यरकान को दूर करती है। और दोस्तों इसके अलावा अक्सर लोग जो दही जमाते हैं उसके अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर जो है दही जमाने के लिए जाग नहीं होती, तो अगर आपके पास जाग नहीं है तो जस्ट इसके 3 से 5 दाने जो है नीम गर्म दूध के अंदर आप शामिल कर दें, तो इसे ढक के रख दें और दोस्तों तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का दही जम जाएगा। तो इस तरह भी आप आसानी के साथ दही को जमा सकते हैं। और दोस्तों जिसम में से ग्लूकोज के लेवल को कम करती है, शुगर को कंट्रोल करती है। ऐसे अफराद जो अक्सर जो है पनीर बूटी का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जो है शुगर ख़त्म हो जाती है। और दोस्तों इसका जो सबसे बेहतरीन फ़ायदा है, ये खून को साफ करती है, खून को पैदा करती है, जिसमें से कील मुहासे स्पॉट्स को ख़त्म करती है, ब्लैक हेड्स को ख़त्म करती है। पनीर बूटी के मुसलसल इस्तेमाल से आपकी स्किन बहुत खूबसूरत हो जाती है, छाइयों को यह दूर करती है। दोस्तों अक्सर इसका जो पाउडर है क्रीम, लोशन और मास्क के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और इसे पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है स्किन के हवाले से। और दोस्तों इसका एक और बेहतरीन फ़ायदा है टाइफाइड बुखार के लिए, मलेरिया बुखार के लिए, डेंगू बुखार के लिए, ये इन तमाम बुखारों को जो है जड़ से ख़त्म करती है। और दोस्तों ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। और दोस्तों ऐसे अफराद जिनका दिल कमज़ोर है, जिन्हें अक्सर जो है दिल की बेचैनी रहती है, वो पनीर बूटी को इस्तेमाल करें। और दोस्तों इंशाल्लाह जो इनके दिल की घबराहट है, दिल की कमज़ोरी है, दिल की बेचैनी है, इस किस्म की तमाम बीमारियाँ जो उनके दूर हो जाएंगी। और दोस्तों जिसम में से ख़ारिश को ये दूर करती है। चलें दोस्तों ये तो थे पनीर बूटी के हवाले से कुछ जो है यूजेस, इन्फॉर्मेशन और बेनिफिट्स। अब आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। दोस्तों ऐसे अफराद जो सांस से रिलेटेड बीमारियों का शिकार हैं, जिन्हें फेफड़ों का मसला है, वो जो है पनीर बूटी को अवॉइड करें। और दोस्तों इसका जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो डायरिया करता है, उल्टी करता है। और दोस्तों जो मुस्नद हकीम के नुस्खा जात के मुताबिक आपने इसे इस्तेमाल करना है, आपने इसे खुद से इस्तेमाल नहीं करना। चलें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पनीर बूटी यानी पनीर डोडा या पनीर डोडी के हवाले से जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको इसके इस्तेमाल बताएँ और आपको इसके फ़ायदे बताएँ, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और दोस्तों मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का, कलर कलर के नाम से भी सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दें, ओके, जिला हाफिज़, टेक केयर।